झारखंड के जनपद पश्चिम सिंहभूम के चक्रधरपुर प्रखंड के केरा पंचायत में स्थित मां केरा मंदिर परिसर में उड़ीसा भाषा संस्कृत को जीवित रखने के लिए सबु संघ कला निकेतन की ओर से एक उड़िया नाटक मुतुमरी कौन होबी का विमोचन निर्देशक अक्षय मोदक के द्वारा किया गया। तत्पश्चात सबु संघ कला निकेतन की पूर्व निदेशक स्वर्गीय परशुराम साहू की स्मृति पर किया गया एवं स्वर्गीय विश्वनाथ कर, स्वर्गीय विभूति भूषण साहू, स्वर्गीय रामकृष्ण त्रिपाठी, स्वर्गीय उमापत कर को श्रद्धांजलि दी गई। नाटक मंच की देखरेख में एवं संचालन का जिम्मा सबु संघ के सदस्य सह शिक्षक कामाख्या प्रसाद साहू, प्रदीप कुमार सिंह देव, गुरु प्रसाद साहू, विरोजा शंकर पति को दिया गया, जबकि नाटक को निर्देशित करने का जिम्मा अभिजीत भट्टाचार्य, बलराम साहू, नृत्य निदेशक आशीष कुमार रावत एवं संगीत मंच संचालन का जिम्मा राजीव कुमार सिंह देव को दिया गया। संबोधित करते हुए शिक्षक कामाख्या प्रसाद साहू ने कहा कि सबु संघ के द्वारा उड़ीसा नाटक का मंचन कर उड़िया बहुल क्षेत्र में उड़िया भाषा को जीवित करने की कोशिश की जा रही है। मौके पर काफी संख्या में सबु संघ के कलाकार व सदस्य मौजूद थे। किस चीज को लेकर यहाँ प्रैक्टिस किया गया यात्रा पार्टी को लेकर? यहाँ आज सबु संघ कला निकेतन केरा की ओर से ये एक नाटक का जो उड़िया नाटक जो प्रत्येक वर्ष यहाँ किया जाता है उसी को लेकर आज कास्टिंग किया गया। जो उड़िया नाटक का जो नाम है उसका मुँह तुमरो कौन है भी, ये एक पारिवारिक तो परिवार पे ये आधारित है, जो ये एक सामाजिक नाटक है। ये केरा गांव के सभी कलाकारों को लेकर आज यहाँ पर इसको कास्टिंग किया गया और ये हमारे यहाँ सरस्वती पूजा के उपलक्ष्य पे हर साल किया जाता है, इस साल भी किया जाएगा। कला को बचाने के लिए और हमारा एक लक्ष्य है कि केरा एक ऐतिहासिक गांव है, ये इतिहास बना रहे यहाँ पर कि यहाँ पाठागार हम लोग चाहते हैं कि केरा में पाठागार हो, उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जी, ये केरा उड़िया बहुल क्षेत्र है, इसके लिए यहाँ के लोगों द्वारा क्या विशेष किया जा रहा है जो उड़िया बहुल क्षेत्र के लोगों को उड़िया भाषा वंचित रह सके? देखिए, सबसे पहले तो हम जो यहाँ पर हमारे जो गांव में ये हर साल होती है, इसलिए हम लोग करते हैं कि हमारे जो गांव के माँ बहन हैं वो लोग कला संस्कृति ये सब हम लोग बाहर में जाके कहीं भी देख लेते हैं, वो लोग कहीं बाहर नहीं जा पाते हैं, इसीलिए उसको कला संस्कृति को जीवित रखने के लिए और हमारे जो इसको बचाने के लिए हम लोग हर प्रयास कर मतलब रहे हैं। आज रिहर्सल शुरू हुआ? जी जी जी। और कितना दिन तक ये रिहर्सल चलेगा? ये लगभग 3 महीना तक चलेगा और पूरा कम्प्लीट। ये जो आपका जो मंच है ये केवल सरस्वती पूजा में ही अपना मंचन करती है या फिर और भी कहीं? नहीं, फिलहाल सरस्वती पूजा में किया जाता है और जैसे बहुत जगह जैसे करसुआ हुआ या फिर सरेकला हुआ, चिलकू हुआ, पहले ये सब पाठागार होता था, अब भी जहाँ भी पाठागार आमंत्रित हम लोग को किया जाएगा पाठागार से वहाँ हम लोग भाग लेंगे। अच्छा, यहाँ तो नहीं है पाठागार? पाठागार नहीं है, लेकिन तो हम लोग इसके लिए कोई विधायक या सांसद से मांग जाएंगे, विधायक के पास जाएंगे हम लोग इसके लिए बातचीत करने के लिए। उनसे बातचीत भी हुआ था कि एक कला संस्कृति केंद्र भी यहाँ देने की बात चल रही है और वो देते हैं तो ठीक है, और नहीं भी हुआ तो फिर हम लोग पाठागार मतलब जो 10 या 12 पार्टी को आमंत्रित करके यहाँ पाठागार की प्रस्तुति किया जाए। नाम बता दीजिए। अभिजीत भट्टाचार्य। अखंड भारत न्यूज के लिए रवि शंकर की रिपोर्ट, पश्चिम सिंहभूम।